अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। सो टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल। इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे काम करना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो कंप्लीट वर्किंग है फॉर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पर वो वर्किंग करनी है जो अमेज़ॉन के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जो अमेज़ॉन के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के सर्च इंजन पे रैंक हो सके। और जब हमारी प्रोडक्ट सर्च इंजन पे रैंक होना शुरू होती है तो वो अमेजोन के स्टार्टिंग पेजेस पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के स्टार्टिंग पेजेस पे आना शुरू हो जाती है तो हमारी जो सेल्स है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ऑल्दो देर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, के सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं होती है, उसके बाद मजीद एडवर्टाइजमेंट भी होती है, पीपीसी करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू भी काम करते हैं, रिव्यूज को भी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देयर आर सेवरल स्टेप्स टू फॉलो फॉर योर बेटर सेल और लॉन्चिंग, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी ऑर्गेनिक सेल्स के लिए भी बहुत जरूरी है, आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताया था कि हम लोगों ने सोर्सिंग की, सोर्सिंग के बाद हम लोगों ने लेबल्स क्रिएट किए, उसको हमने सप्लायर को भेज दिया, सप्लायर ने उन लेबल्स को हमारी प्रोडक्ट पे लगाया, उसने हमें भेजना है, हमने जो भी शिपमेंट प्लान क्रिएट किया था उसको हमने वो सेंड कर दिया कि फला अमेजोन के फला वेयर हाउस में तुम हमारी प्रोडक्ट्स को भेज दो। और वो लोग हम लोगों को जो भी हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं, वो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस में सप्लाई कर देंगे, मतलब शिप कर देंगे। ठीक है, अब एक्चुअली वो जो शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ था, वो शिपमेंट प्लान तब क्रिएट होता है जब हम उससे पहले का एक स्टेप है जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान, प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है शुरू में जब आप वर्किंग करते हैं तो आप अपने अकाउंट को चेक करने के लिए डमी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स भी करते हैं, ये भी चेक करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट पे कोई अमेजोन को कोई इशू तो नहीं है समथिंग, हम उसके लिए भी डमी लिस्टिंग करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है इस पे कोई चेक या कोई ऐसा की ऑब्जेक्शंस तो नहीं है। तो आप जो है जब भी आप अपने सप्लायर के साथ फाइनल डील करने लगते हैं उससे पहले इट इज बेटर कि आप एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लें। अगर आपको डाउट है अपनी प्रोडक्ट पे कि अगर हमारी प्रोडक्ट पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और उस डमी लिस्टिंग की क्रिएशन में आपको क्लियर हो जाता है अगर तो अमेजोन आपसे कोई फर्दर कोई चीजें डिमांड नहीं करता या कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, तो ये देन यू आर गुड टू गो, अदरवाइज आपको वो चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सेल्स में। ऑब्वियसली हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें सेल्स चाहिए, हमें प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं, तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन। हमें अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे काम करना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी माइंड मैपिंग करना चाह रही हूँ फॉर योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, और फिर देन उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रॉपर सिस्टम जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पे काम करें, कीवर्ड रिसर्च करें, अपनी इमेजेस को क्रिएट करें, अपने अपनी डिस्क्रिप्शंस को बनाएं या प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग करवाएं, उसकी सेल्स कॉपीज क्रिएट करवाएं, तब आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे मतलब इसको हम लोग मतलब हमारा जो टॉपिक है वो ही यही है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के डॉन्ट्स क्या हैं, या इन अदर वे कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेड मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, और जब आप उनको अवॉइड करेंगे देन यू विल वर्क ऑन इन अ गुड वे कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाती है अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट, डोंट यूज एक्सटर्नल लिंक. हमें अमेजोन ये अलाउ नहीं करता कि हम जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो हम कहीं पर भी इमेजेस में, डिस्क्रिप्शन में, कहीं पर भी हम लोग कोई भी एक्सटर्नल लिंक इंक्लूड नहीं कर सकते, चाहे बुलेट पॉइंट है, चाहे डिस्क्रिप्शन है, चाहे इमेजेस है. इट इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड. इट इज जर्नली आपने कम्प्लीटली अपनी अपनी प्रोडक्ट की कम्प्लीट इंफॉर्मेशन डालनी है, कहीं उसको कहीं किसी बाहर के किसी एक्सटर्नल लिंक के साथ आपने रिलेट नहीं करना, ठीक है. बट स्टिल यू आर सेलिंग योर ब्रांड, ठीक है, यू आर द ओनर ऑफ योर ब्रांड. अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर, आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि कई दफा अगर आप लेबल लेबल आपका एक ही लगेगा, अगर आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर लेबल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अलग से लेबल चिपकाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने नहीं लगाया हुआ, देन आप अपनी प्रोडक्ट पैकेज के ऊपर अलग से लेबल लगाते हैं. अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक अच्छा ब्रांड बेच रहे हैं और आप अपने ब्रांड को अपने ब्रांड की एक अच्छी सेल जनरेट करना चाहते हैं या अपनी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो अमेजोन जस्ट एक मार्केट प्लेस है. आपकी अपना एक पूरा ब्रांड है, आप वेबसाइट चला रहे हैं, आप एक सिस्टम चला रहे हैं, आप अपनी ब्रांड को मजीद प्रमोट करना चाहते हैं, देन इट इज़ बेटर कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल लिंक यूज़ करना भी है तो आप इस फॉर्म में एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप अपनी जो है पैकेजिंग, अपनी पैकेजिंग इस तरीके से तैयार करते हैं कि आप उसकी उसमें अपना कोई ब्रांडिंग मटीरियल यूज़ करते हैं. जैसे कि आप ये देखें, इन्होंने पैकेजिंग, अब ये एक उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, यानी अपनी जो प्रोडक्ट थी, यानी आपने कहीं पर अमेजोन पर कोई एक्सटर्नल लिंक यूज़ नहीं करना. लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई इमेज है तो आपको, आप उस फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, उस पैकेजिंग के ऊपर इस तरीके से आपने अपना नाम, नंबर और वेबसाइट मेंशन की हुई है, ठीक है, और उस पैकेज, उस जाहिर है वो पैकेजिंग आपकी प्रोडक्ट का पार्ट है, तो जब आप उसकी फोटोग्राफी करेंगे तो आपकी जो पैकेजिंग पर आपकी ये ब्रांडिंग मटीरियल नजर आ जाता है. दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज अमेजोन आपको कभी भी आपकी आपकी ब्रांड के ऊपर, आपकी ब्रांड की पैकेजिंग पे कभी भी ऑब्जेक्शन वो नहीं लगा सकते, ठीक है. और आफ्टर ऑल इट्स योर ब्रांड एंड यू आर द ओनर ऑफ योर ब्रांड. इट इज योर राइट टू डिसाइड अबाउट द पैकेजिंग मटीरियल, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग जो कि हमने इसमें देखनी है वो ये होगी कि प्रोफेशनल इमेजेस, ठीक है. अभी हम लोगों ने पैकेजिंग वगैरह के की बात की, तो अब नेक्स्ट थिंग जो कि हमने बहुत इम्पॉर्टेंट वे में कंसीडर करना है वो है हमारा जो इमेजेस है वो बहुत प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है. हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन पर ही देखते हैं तो अगर ये प्रोडक्ट हम बात करते हैं तो आपके जो इमेजेस है वो एक्चुअली, आप देखें, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपके सामने मौजूद नहीं है, आपकी जो सेल है वो सब डिपेंड करती है इन इमेजेस के ऊपर, ठीक है. आपके इमेजेस इतने क्लियर होने चाहिए कि वो आपकी प्रोडक्ट को हर एस्पेक्ट से आपके कस्टमर के सामने शो कर दे कि आप एक्चुअली क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है. तो हम लोग अगर हमारी जो प्रोडक्ट है उसके जो इमेजेस है वो बहुत क्लियर होने चाहिए और बहुत प्रोफेशनल वे में होने चाहिए, ठीक है. इट इज़ बेटर कि अगर आप कोई उस पर अपने अपनी प्रोडक्ट को और एक्सप्लेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में आप उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, इट इज़ बेटर बट इन अ मोर प्रोफेशनल वे. अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई डायमेंशन आप उसको देते हैं, ये बहुत बेस्ट वे होता है ताकि आपके कस्टमर को पता चल जाए कि अगर वो एक चीज़ ले रहा है तो उसका एक्चुअल साइज क्या है, ठीक है. तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट कंसिडर होता है. उसके बाद अगर आप अपनी इमेजेस के साथ कोई वीडियो भी लगाते हैं, ठीक है, अब ये यहाँ पर वीडियो है पूरी, इस वीडियो में उसने उसको कंप्लीटली डिफाइन किया है, सो इस तरह की जो वीडियो है ये आपके कन्वर्जन रेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है, ठीक है. सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें इमेजेस के साथ, आप उस अपनी उस प्रोडक्ट की वीडियो भी, मतलब एक अच्छी सी आप उसकी प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट करें जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को
कि कंप्लीट हर एंगल से वीडियो बनाएं या उसकी कोई डिफरेंट फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करें, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, आपकी सेल्स इम्प्रूव होती है एक्चुअली। उसके बाद अगर हमारा जो है नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेशनल इमेजेस की, तो प्रोफेशनल इमेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, इस पर आपने कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना, बहुत इमेच्योर से आपके इमेजेस नहीं होने चाहिए। तो इट इज़ बेटर अगर आपको कोई कोई प्रोफेशनल नहीं मिल पा रहा तो आप फाइबर पर इस सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, वो आपके इमेजेस को बहुत प्रोफेशनल वे में क्रिएट करके आप करेंगे, जो उनको पता भी होगा कि अमेजोन की क्या स्टैंडर्ड्स हैं और उनको किस तरह से उन्होंने फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रही है उसकी राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो राइटिंग सीक्वेंस है उसमें आपने क्या ख्याल रखना है। अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट उससे पहले जस्ट टू एक्सप्लेन यू के ट्रीट योर लिस्टिंग पेज एज अ सेल्स लेटर टू लीड योर कस्टमर टू अ सेल। अपनी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको एक ऐसा आप सेल्स लेटर बनाएं, उसको कम्प्लीटली अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए और आप कन्वर्ट कर लें उसको अपने, आप अपने जो कस्टमर आया है जो उसको देख रहा है वो आपके आपको आप वो कन्वर्ट हो जाए सेल में, ठीक है। ट्रीट एज अ सेल पेज एंड यूज द मैक्सिमम रेलिवेंट इन्फो टू आंसर योर कस्टमर, ठीक है। तो इट इज बेस्ट वे कि आप अपने कस्टमर को उसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें और आपका जो आप जैसे इट इज अ गुड लिस्टिंग, लाइक अगर आप इसमें उन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बकायदा इमेजेस के साथ, बिकॉज दे हैव स्टोर एक्सेस, तो उन्होंने उसको कम्प्लीटली उसके सारे फीचर्स को यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, विद पिक्चर्स। तो इससे बहुत इम्पेक्ट आता है कि आपका जो कस्टमर है उसको ये आइडिया होता है कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी लुक है, क्या इसकी मेन डिस्क्रिप्शन है, तो वो चीज़ें बहुत ईजीली अंडरस्टैंड एबल हो जाती हैं आपके कस्टमर के लिए और बहुत चांस होता है कि वो सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना एक्सप्लेन करते हैं, देन अगर आप क्वेश्चन आंसर्स उनको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि क्या क्या जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो हेल्प करते हैं आपके कस्टमर को, फिर ये बहुत इम्पेक्ट होता है अगर आप अपनी मार्केटिंग पे काम करें। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करते हैं या फिर आप अपने कुछ रिव्यू गेट करते हैं तो कोशिश ये करें कि आप पिक्चर बेस्ड रिव्यूज लें, बिकॉज इससे आपको बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और आपके कस्टमर को हेल्प होती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे और अपने इमेजेस को क्रिएट करेंगे, तो आपके जो इमेजेस हैं वो एक तो इमेच्योर नहीं होने चाहिए ताकि वो आपकी जो नेक्स्ट फर्दर जब आप डिस्क्रिप्शन में लाएं अपनी प्रोडक्ट को, जब आप अपना सेल्स पेज क्रिएट करें तो आपका इमेज और आपके सेल्स पेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके कस्टमर को मजबूर कर सके सेल के लिए, वो सेल में कन्वर्ट हो सके, आपको कन्वर्जन मिल सके। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज एज अ सेल पेज, और आपकी जो सेल कॉपी है वो बहुत एक्यूरेट और मोस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए, बहुत क्लियर आपकी डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स होनी चाहिए, हाईलाइट करें जो भी आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट है आप उसको हाईलाइट करें ताकि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइंड द यूजेबल और रेलिवेंट कीवर्ड्स इन टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, और सर्च टर्म जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जब हम करते हैं तो वहां पर प्रॉपर हम लोग सर्च टर्म में कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और करते हैं, तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके प्रोडक्ट यानी मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आपके कीवर्ड्स जो हैं जिनको आप टाइटल में यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शंस में यूज़ करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करेंगे, वो मोस्ट रेलिवेंट होंगे
प्रॉपर रिसर्च्ड कीवर्ड होंगे तो आपके लिए फायदा होगा, वरना आपके आपको सेल्स में आपका कस्टमर सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा. सो इट इज सो इसका बेस्ट वे ये है, बिकॉज स्टार्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको क्लियर नहीं होती हैं. तो इट इज बेस्ट टू कि आप जो है वो डिफरेंट टेस्टिंग करें अपनी लिस्टिंग पर. कभी कभी आप जो है उसके अगर इमेजेस एक इमेज पे अगर आपने जो इमेजेस लगाए हैं उसमें इमेजेस को चेंज करके आप टेस्टिंग कर सकते हैं. कुछ कीवर्ड्स को जब आप पीपीसी चलाते हैं तो आपके पास बहुत से टारगेट कीवर्ड्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, आप उनको मैन्युअली टारगेट कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी वेज टू टेस्ट योर कैंपेन्स, टू टेस्ट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कि इट इज गुड और नॉट. तो इस वे से आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इम्प्रूव करते चले जाते हैं. बट ये जो अभी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर देम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोडक्ट लिस्टिंग. ठीक है. सो इन अ नेक्स्ट वे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें कि कन्वर्जन रेट और क्लिक थ्रू रेट आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए, ताकि आपकी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरीके की होनी चाहिए, इतनी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए कि आप एक अच्छा कन्वर्जन रेट ले सके और आपके क्लिक थ्रू रेट भी अंडर कंट्रोल रहे और बेस्ट रहे. ठीक है. व्हाट इज द एक्चुअली कन्वर्जन रेट्स? कन्वर्जन रेट्स बेसिकली शो यू हाउ मेनी विजिटर्स पर 100 हैव परचेज्ड योर प्रोडक्ट एंड बिकेम योर कस्टमर. ठीक है. तो कन्वर्जन रेट आप इसको आसानी से कह दें कि टोटल 100 में से वो आपको शो करता है कि अगर कोई 100 में से इतने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया. ठीक है. मतलब ऑब्वियसली बहुत ह्यूज अमाउंट में लिस्टिंग है, बहुत बहुत बड़ा एक डेटाबेस है, तो उसमें कन्वर्जन रेट आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि हाउ मेनी विजिटर्स पर 100. ठीक है. यानी पर 100 में से हर 100 में से कितने विजिटर्स ऐसे थे जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को बाय किया. ठीक है. तो एक्चुअली व्हाट इज द कन्वर्जन रेट ऑन Amazon? इट शोज यू कि हर 100 में से कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीदी. और देन फिर हम आते हैं कि अब कन्वर्जन रेट्स को आपने इम्प्रूव करना है. और ये सब चीजें जब हम फर्दर आगे कैंपेन्स को डिस्कस करेंगे, पीपीसी पे काम करेंगे, तो ये सब चीजें आपको और अच्छे वे से एक्सप्लेन हो जाएंगी कि कैसे हम इन रेट्स को मेजर करेंगे या एनालाइज करेंगे या ट्रैक करेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो सेलर का क्लिक थ्रू रेट है, ये बहुत बेटर और कंट्रोल होना चाहिए. एक्चुअली क्लिक थ्रू रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु व्यू हिज और हर प्रोडक्ट, बेसिकली योर प्रोडक्ट, ऑन सर्च रिजल्ट पेजेस दैट एंड अप क्लिकिंग ऑन टू देयर Amazon प्रोडक्ट डिटेल पेज. ठीक है. ये कहता है कि ये उस परसेंटेज को बता रहा है कि जब कस्टमर सर्च इंजन के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है, ठीक है, तो सर्च रिजल्ट के जो पेजेस हैं उन पे क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट पे जब वो आता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए. इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु व्यूज योर प्रोडक्ट ऑन सर्च रिजल्ट्स. ठीक है. जब वो अमेजोन के गूगल बार जब अमेजोन की बार में जाते हैं, सर्च बार में जाते हैं, जब वो कोई कीवर्ड डालते हैं, सर्च करते हैं, तो कीवर्ड सर्च करने के बाद जब वो आपकी लिस्टिंग पर आए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट. यानी आपकी लिस्टिंग पर क्लिक करके आए और आपकी लिस्टिंग को देखे, उसको सर्च करे, मतलब देखे उसको, और अगर बाय कर ले तो वो कन्वर्ट हो जाएगा. बट अगर वो क्लिक करके आता है सर्च टर्म्स के थ्रू, तो देन इट इज एक्चुअली योर CTR. और यू कैन इट्स अकॉर्डिंग टू Amazon एल्गोरिदम, इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज क्लिक डिवाइडेड बाई इम्प्रेशन इक्वल टू CTR. ठीक है. ये टोटल इम्प्रेशन से जब हम टोटल क्लिक्स को टोटल इम्प्रेशन के साथ जब डिवाइड करते हैं तो CTR बनता है. ठीक है. देखिए आप खुद आप देखें कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट पे इम्प्रेशन आते हैं, बट उन इम्प्रेशन का फायदा तब होगा जब वो आके क्लिक भी करेगा. ठीक है. आपकी प्रोडक्ट को देखेगा, उससे आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी. अब उससे भी अगले लेवल का जो अगले लेवल की जो इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि एक पर्सन आया, इम्प्रेशन मिला, उसके बाद उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर वो बाय भी कर लेता है, वो आपको सेल मिल जाती है, दैट इज कन्वर्जन रेट. ठीक है. तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
क्लिक थ्रू रेट इज द पॉइंट जो कि पहले आएगा, और अगर वो वहां पर आपके क्लिक करके, यानी अगर वो सर्च बार से आता है, ठीक है, अगर वो सर्च बार से आता है, आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है और फिर उसको इंप्रेशन मिलते हैं और फिर देन उसको क्लिक करता है, दैट इज कॉल्ड द क्लिक थ्रू रेट, और अगर वो उसको परचेज कर लेता है तो दैट इज योर कन्वर्जन, ठीक है। तो अगर हमने बेटर कन्वर्जन रेट ले लिया, उसको मैनेज कर लिया या उसको बैलेंस कर लिया, या हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है ये भी हमने कंट्रोल कर लिया, ये इम्प्रूव होना शुरू हो गए, तो हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो रैंक में आना शुरू हो जाती है और हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली अभी तक जो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस ऑप्टिमाइजेशन की साइंस ही यही है कि डिफरेंट तरीकों से हमने अपने कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करना है, क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करना है, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज हो सके, हमारी लिस्टिंग रैंक हो सके और इन द एंड हमें सेल्स मिल सके, ठीक है। ऑल्दो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स टू इन्वॉल्व इन द ऑप्टिमाइजेशन, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल मेजर देम व्हेन वी विल वर्क इन द पीपीसी एंड अदर मार्केटिंग वेज, ठीक है। इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में कंसीडर करना है, दैट इज रिव्यूज। आप जब रिव्यूज लेते हैं या आपकी प्रोडक्ट पे जब रिव्यूज आते हैं तो उससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। अभी तक हमने हम ये देख रहे हैं कि हम जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमने किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है ताकि हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज हो सके। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमारी प्रोडक्ट को और रैंक करने में यूज होते हैं, और अगर ये सब एक्यूरेट हो जाएं, ये सब अच्छे हो जाएं, हम हर इस फैक्टर को कंसिडर करें, इन पे वर्किंग करें और इनको इम्प्रूव करें, तो देन हमारी जो लिस्टिंग है वो रैंक होना शुरू हो जाती है और रैंकिंग में रहती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी मिलते हैं, तो डेफिनेटली वी आर ऑन अ गुड प्लेस इन आवर बिजनेस, ठीक है। तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, अवॉइड करें आप नेगेटिव व्यूज से, ट्राई ये करें आपने पॉजिटिव रिव्यूज लेने हैं, आपने जो है वेरीफाइड रिव्यूज देने हैं, और इट इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको इमेज बेस्ड रिव्यूज मिलते हैं, आपको वीडियो बेस्ड रिव्यूज मिलते हैं, तो वो आपकी रैंकिंग को और अच्छा इम्प्रूव करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स द कस्टमर कि वो उसको आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, कस्टमर उसको पसंद कर रहा है नहीं पसंद कर रहा, उसमें क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। सो एवरीथिंग इज द major point to help you to rank your product on Amazon, ठीक है। So in the end it is totally depends on the Amazon algorithm, और algorithm के बारे में कोई भी final calculations नहीं होती है, Amazon के अपने algorithms हैं, अपना एक system है जो हमेशा based करता है database पर, total number of sellers पर, nature of categories पर, nature of time पर, तो ये सब चीजें जो है वो टाइम के टाइम टू टाइम सेट होती रहती है, बट जिन मेजर चीजों का, जिन मेजर पॉइंट्स का, जिन फैक्टर्स का हमने ख्याल रखना है वो मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किए हैं। इसलिए जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पे काम करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो है, या हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद हम सेल्स की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो तब होगी जब हम ये सारे फैक्टर्स को बैलेंस रखेंगे। जब हम इन सारे फैक्टर्स पर काम करेंगे तो दैट्स एक्चुअली the points जो कि आपकी जो product है उसको optimize करते हैं, उसको rank करते हैं, ठीक है। अब जो major कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग further जब product listing करेंगे उसमें हम use करेंगे, आपकी product listing में जो सबसे major चीजें use होगी वो है keyword research, ठीक है। आपने keyword research जो कि already हम product जब research कर रहे थे, उस वक्त जब आप product research करते हैं तो बहुत सारी listing आप उसी वक्त create कर लेते हैं, क्योंकि research के दौरान आप keyword searching के through भी आपने अपनी product को find किया होता है, उसके आप उसको आप reverse engineering के through find किया होता है, तो आप उस वक्त अपने साथ एक keywords का database उस वक्त भी बना रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी product को finalize करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ कीवर्ड्स की डिफरेंट टर्म्स और उसकी सर्च वॉल्यूम और उसका ट्रेंड्स और उसकी ये सब चीजें हम लोग देख रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड्स जो मेजर कीवर्ड हैं, जो मेन कीवर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट बन चुकी होती है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हमें पता होता है कि उसके मेजर कीवर्ड्स क्या हैं, इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग अब हो चुकी होती है प्रोडक्ट रिसर्च की वजह से, उसको मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमने डिस्कस किया, हमने फिर अलीबाबा पे उसको रिसर्च किया, तो वी नो वेरी वेल के एक्चुअली व्हाट आर द मेन कीवर्ड्स
ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, उस सारे मेन कीवर्ड्स आपके पास लिस्ट मौजूद होगी। अब फर्दर आपने उस लिस्ट से मजीद और कीवर्ड्स जनरेट करने हैं ताकि आप उन कीवर्ड्स को प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज कर सके। अब वो जो जनरेट भी करने हैं वो भी कोई तरह से तुक्के से जनरेट नहीं करने, देयर आर प्रॉपर वे टू गेट आइडिया अबाउट द एक्यूरेट कीवर्ड। अब मैं उसको थोड़ा आपको बता दूं कि जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च में काम किया था तो उस वक्त मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम लोग जो है रिसर्च करते हैं तो हम लोग गूगल ट्रेंड पर भी जाएंगे। तो सेम आपने, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग द सीक्वेंस कि आपने जब करना है कीवर्ड रिसर्च करना है तो सेम आप गूगल ट्रेंड्स को अगेन यूज करेंगे, उसके बाद आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करेंगे, और इसका इनका जो है यूज ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि कीवर्ड आप जब गूगल ट्रेंड्स को यूज करते हैं तो आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते हैं तो आपने किस तरह यूज करना है, अगर आपने गूगल ट्रेंड को यूज करते हैं तो किस तरह यूज करना है। ऑब्वियसली जब आप वहाँ पर कोई एक कीवर्ड डालेंगे तो आपको वहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि आपके कीवर्ड के जो ट्रेंड है वो क्या है, उस पर कितना ऑडियंस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आते हैं मूविंग बैग्स पे, तो अगर हम इसका ट्रेंड या इसकी कोई पोजिशन चेक करते हैं तो हमें यूएसए में देखना है, तो इससे हमें जो है इसके कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या सर्च वॉल्यूम क्या है, क्या इसका। अब ये देखे हमें यहाँ से आइडिया और है, ये इसका सर्च ट्रेंड्स बता रहे हैं। शोइंग 1 to 6 एग्जांपल्स, so it means कि इसकी trending तो है, but I just want to check। पूरे ट्रेंड्स देखते हैं। सो आप जो है अभी मूविंग बैग्स को स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, ये अच्छी मैं चाह रही थी। अभी देखिए पास्ट 12 मंथ का डाटा इसने हमें दे दिया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये इसके ट्रेंड्स हमारे पास सामने शो हो रहे हैं, और उसने हमें बता दिया है कि ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा सर्च जो है वो मैरीलैंड में हुआ है, फिर वर्जीनिया में हुआ है, और सेम इस तरह आप फर्दर अप टू 15 वो तक वो आपको इसकी सर्चिस दे रहा है। तो यहाँ से आप जो है इससे रेलिवेंट कीवर्ड का आइडिया हो सकता है, टोट बैग और रिलोकेशन, और मतलब इस तरह के कीवर्ड जो है वो सर्च हो रहे हैं, मतलब इससे जो रिलेटेड टॉपिक है, या ये एक्यूरेट एक कीवर्ड है, मैट्रेस बैग्स फॉर मूविंग, ठीक है, मतलब मूविंग बैग में वो मैट्रेस को यूज करने के लिए अगर वो मूविंग बैग देख रहे हैं तो इसकी रिसर्च सबसे ज्यादा है, हम इस कीवर्ड को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर हमारा मूविंग बैग के फीचर में ये आता है, माउस का साइज ऐसा है, या अगर ये कीवर्ड हमारे से रेलिवेंट है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन हैव आइडिया कि अगर हमने मूविंग बैग यूज किया है तो उसका ट्रेंड क्या है और उसके रेलिवेंट कीवर्ड क्या है और ये किस एरिया में ज्यादा सर्च हो रहा है। सेम इसी तरह मैंने कीवर्ड पैनल पे आपको पहले काफी डिटेल में इसके कीवर्ड किस तरह फाइंड करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट। सो अब क्या है, उसके बाद आपने ये टूल है एक कीवर्ड टूल डॉट आई ओ, ठीक है, कीवर्ड टूल डॉट आई ओ, इस पे आपने
हम इसने डिफरेंट सर्च टर्म के थ्रू कीवर्ड रिसर्च को एक्सप्लोर करने के ऑप्शन दिए हैं। हमने यहाँ पर अमेजोन पर आना है और अमेजोन पे आके फर्दर हम इसके अंदर अगर अपना कीवर्ड डालेंगे और उस कीवर्ड से हम लोग मजीद कीवर्ड आइडियाज जनरेट करेंगे। सो ये तीन मेजर वेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च, देयर आर मेनी टूल्स जहां से आप कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान कर चुके होंगे और अगर नहीं किया तो फर्दर हम इसको करेंगे और डेफिनेटली आई एम यूजिंग मोस्टली हीलियम 10, तो हम उसको देख लेंगे। सो इट इज ये अब तीन वेज तो ये हो गए क्योंकि हमें अब रेलिवेंट और टारगेटेड कीवर्ड चाहिए। मेन कीवर्ड हमारे पास है, हमें कुछ और टारगेटेड कीवर्ड चाहिए जिनकी अच्छी सर्च वॉल्यूम हो, जो कुछ हमें अच्छी सेल जनरेट करते हुए नजर आए, ठीक है। तो क्योंकि हमने अपनी अपनी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है हमने उसको उसमें यूटिलाइज करना है और इट इज बेस्ट वे कि अगर वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर भी वो प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है कि आपने गूगल ट्रेंड में देखना है। आप अगर कीवर्ड रिसर्च के आइडियाज ले रहे हैं, आपने कीवर्ड की वेरिएशंस निकालनी है, तो आपको अभी शुरू में आइडियाज अगर चाहिए तो आप आइडियाज गूगल ट्रेंड से लेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर से लेंगे, उसका यूज भी मैंने आपको बताया था, जिसका आपको अच्छा सीपीसी मिलता है और सर्च वॉल्यूम जिसका अच्छा है, आप उन कीवर्ड्स को उठा सकते हैं और फिर उन कीवर्ड को आप फर्दर अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। आप हीलियम पे चेक कर सकते हैं कि उनका क्या सर्च वॉल्यूम अमेजोन पर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ये टूल मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, इट इज इफेक्टिव टूल, keywordtool.io, इट विल हेल्प यू टू जनरेट द मोर कीवर्ड जो कि आप अमेजोन पे यूज करते हैं, ठीक है। तीन वेज ये हो गए। चौथा वे जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा वो ये होगा कि अमेजोन का इस वे को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, इट इज टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ये जेन्युइन रिजल्ट है, इवन हीलियम और जंगल स्काउट के रिजल्ट से भी ज्यादा जेन्युइन रिजल्ट है। और वो ये है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मूविंग बैग्स पे काम किया, तो मूविंग बैग्स के ऊपर आपने डिफरेंट वे से अमेजोन के कीवर्ड्स को निकालना है और उसका ये वे है कि आप सर्च बार में जाएंगे, वहां पे मूविंग बैग्स लिखेंगे, थोड़ा सा इसको स्पेस दें, आप देखिए उसने आपको ना कोई 8 से 10 कीवर्ड मूविंग बैग्स से रिलेट करते हुए निकाल दिए और सारे कीवर्ड्स को अब आपने नोट कर लेना है क्योंकि इन सारे कीवर्ड्स को अभी हम नोट करेंगे, इन 8 से 10 कीवर्ड्स को, और उन 8 से 10 कीवर्ड्स को फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि इनके सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है, इनकी क्या पोजीशन है, हम किसको पकड़े किसको ना पकड़े। बट यहाँ पर एक्चुअली जो 8 से 10 कीवर्ड है इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड बिकॉज ये सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मूविंग बैग्स है, मैं इसको खाली मूविंग करके देखती हूँ क्या कह रहा है कि मूविंग बॉक्सेस बैग्स, अब उसमें हमारी जो मूविंग बैग्स है वो सेकेंड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अगर रैली अब मूविंग मैट्रेस बैग, ठीक है, अगर हम हमारी फीचर्स कुछ मैट्रेस बैग से रेलिवेंट हैं तो आप इसको कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ये जो मैं देख रही हूँ कि मूविंग अभी ड्यूरिंग आपको आपके लेक्चर के दौरान ही आई कैन जस्ट गेट आइडिया कि मूविंग बैग पर अगर मैं काम करती हूँ ना, तो अगर मैं मूविंग बैग को मैट्रेस, मतलब हमारा जो मूविंग बैग है वो मैट्रेस से मैट्रेस को भी फैसिलिटेट करता हो तो मैं बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकती हूँ, मुझे अच्छा सेल वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है। सो इट इज द बेस्ट वे टू डू द रिसर्च। अब मूविंग बैग को आप डिफरेंट वे से, उस वे से भी आपने देख लिया, इस वे से आप देख लिए, तो अब आपको दो तीन तरीकों से जरा आगे पीछे कहीं स्टार्ट में आप स्पेस दें, कभी लास्ट में आप स्पेस दें, एक्यूरेट लिखें, मूविंग बैग को थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड कर ले, फोर करके देखें, मूविंग बैग फोर, तो वो आपको बता देगा मूविंग बैग फॉर सोफा एंड मूविंग बैग फॉर मैट्रेस, दो ऑप्शंस इसने दे दिए, ठीक है। मजीद इसको अगर आपने चेक करना है, कोई और आइडियाज भी आ रहे हैं, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो और भी बहुत सारे आइडियाज आपको जनरेट होंगे, उन आइडियाज को भी आप अमेजोन की सर्च बार पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो जो अमेजोन आपको 8 से 10 कीवर्ड देता है ये बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं, ये ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है अब, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स का यूज, तो उस कीवर्ड्स को का जो हमने यूज करना है उसकी जो एक लिस्ट जनरेट करनी है वो आपने इन तरीकों से करनी है, ठीक है। कि आपने एक लिस्ट जनरेट कर लेनी है, आप फॉर एग्जाम्पल इन तरीकों से आपने कोई 25-30 कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है,
फिर उन 25-30 की अब एक और वे जो थोड़ा मिस हो गया वो हीलियम 10 है। अब मूविंग बैग को आप मैग्नेट पे जाकर चेक करेंगे, ये वाले प्रोसेस से हम ऑलरेडी पहले भी जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे इस वे से हम ऑलरेडी, मेरा ख्याल है कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करके आए हैं तो डेफिनेटली इट्स अ चांस कि 80% आप मैग्नेट से रिसर्च करके आ चुके हैं और मैग्नेट से आपने मेजर कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अगर नहीं निकाले तो वन वे इज कि मैग्नेट पे आप जाएं, वहां पर आप अपना कीवर्ड लिखें तो ये आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज दे देगा, उसमें आप जो बेस्ट अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले आप यहां से इसको इसके आईकी स्क्योर को हाई सर्च वॉल्यूम को भी आप सर्च वॉल्यूम को इसमें हाई टू लो करके देखें। ठीक है, मेरा प्लान अभी फुल है, आप इसको सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो पे करेंगे तो आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड दिखा देगा, उसमें से बेस्ट कीवर्ड्स को आपने सेलेक्ट करना है, उसकी एक लिस्ट जनरेट कर लेनी है। अब क्या है कि आपके पास मैक्सिमम वो वाले कीवर्ड्स होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, जो प्रॉपरली जो आपके कंपेटिटर्स भी जिन पर जिनको यूज कर रहे हैं फॉर गुड सेल्स, आपने अपने कंपेटिटर्स को भी कीवर्ड रिसर्च के लिए एनालाइज करना है रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में सेरिब्रो के थ्रू प्रोसेस बताया था कि पहले कीवर्ड जब आप रिसर्च करेंगे तो जो आपके टॉप 3 कंपेटिटर्स हैं आपने उनको भी देखना है कि वो उनकी जो सेल है वो किन कीवर्ड्स पर आ रही है या वो किन कीवर्ड्स पर अच्छा रैंक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर दूंगी आपने जो आपको हेल्प करेगी जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये हेल्प करेगी कि आप अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि जब अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप अपने पास एक ये एक टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आप जब आप अपने एक लिस्ट बना रहे हो तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि यानी जो जो आपके टॉप कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, अब मेन फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड है तो जो भी कीवर्ड आप यहाँ डालें तो उसको उसके नंबर ऑफ रिजल्ट अमेजोन पे कितने हैं, उसके नंबर ऑफ सर्चेस यानी उसके नंबर ऑफ सर्चेस जो है हीलियम पे कितने आ रहे हैं, एडवर्ड पे कितने आ रहे हैं, अगर और भी आपने कोई कॉलम डालने वो डाल लें। ठीक है, यानी सर्च वॉल्यूम उसका क्या है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो आपने इसका टेम्पलेट में ऐड करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि मतलब जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हैं तो उसमें जो टॉप 3 या टॉप 5 जो भी आपने क्राइटेरिया रखना है उन टॉप 5 के रिव्यूज कितने। ठीक है, और उसके बाद उसने आपने जो चीज नोट करनी है कि जो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो टॉप 5 या टॉप 3 है उनका बेस्ट सेलर रैंक क्या है। अब ये जो ये तीन मेजर चीजें हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कीवर्ड को जब हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे तो कीवर्ड की सिलेक्शन में हमने इन तीन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है अपनी, मतलब हमने जो लिस्ट किया तो उसको जब हम आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप 25-30 कीवर्ड्स को लिस्ट बना लेंगे और उसकी जब आप पूरी टेम्पलेट तैयार कर लेंगे तो उसमें से फिर बेस्ट सर्चेज वाले हमने जिसकी अच्छे सर्च वॉल्यूम होगा, जिसका रिव्यूज जो है वो कम होंगे, ठीक है, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, जिसके जिसको थोड़े से जिसके रिव्यूज काउंटर जो हमें कम मिले और जिसका BSR रैंक भी बेटर हो। ठीक है, सो इसलिए हम लोगों ने जो लिस्ट बना दी है जब उसमें से हम बेस्ट को फिल्टर करेंगे तो ये टेम्पलेट हमें हेल्प करेगी, दैट टेम्पलेट विल हेल्प यू टू लिस्ट योर कीवर्ड फॉर योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग को प्रॉपरली राइट करने पर आएंगे, जब हम ये देखेंगे टाइटल कैसे राइट करना है और उसमें कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज वे में ऐड कैसे करना है, बुलेट पॉइंट्स को हम जब लिखेंगे उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कैसे हम लिख सकते हैं, तो ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप अच्छे राइटर नहीं हैं तो आप ये सर्विसेज परचेज करें, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रॉपर किसी अच्छे राइटर से लिखवाएं, बिकॉज इट्स योर सेल कॉपी, इट इज अ बेस्ट मतलब इट इज बेस्ट फॉर यू कि आप अपनी जो सेल्स कॉपी है उसको एक बेस्ट वे से क्रिएट करें जिसमें कंप्लीटली आपकी प्रोडक्ट के तमाम फीचर्स मौजूद हो, आपके कस्टमर के हर सवाल का जवाब हो। आप अच्छा नहीं लिख सकते अगर तो अच्छी इंग्लिश में उसको आप लिखवाएं, उसको अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड एडजस्टमेंट कैसे करनी है तो इट इज बेस्ट सजेशन फॉर यू कि आप किसी प्रॉपर कॉपीराइटर को हायर करें और आप उनसे प्रोडक्ट लिस्टिंग राइट करवाएं प्रोफेशनली। ठीक है,
वो फिर क्या करेगा, वो आपके कीवर्ड्स का भी ख्याल रखेगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप अच्छे राइटर हैं तो फिर आप इसको खुद राइट कर सकते हैं। कुछ मैं भी टेक्निक्स आपको गाइड कर दूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी कि अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं। तो उसमें ये है कि अभी हमने ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब आपके पास एक्यूरेट कीवर्ड होंगे तो आप उसको अपनी प्रोडक्ट राइटिंग में यूज करेंगे, और फिर हमारी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग जब तैयार हो जाएगी तो वो इंशाल्लाह ताला अच्छे और प्रॉपर वे में रैंक होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर वे से प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, प्रोडक्ट राइटिंग पे बात करेंगे। थैंक यू सर।